हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश उपाध्याय। वंस अगेन आई वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल आई सी एस सी जावा 100%, वेयर आई एम कवरिंग फुल सिलेबस ऑफ आई सी एस सी फॉर द क्लास 9th and 10th। आज हम और टोकेंस के बारे में पढ़ते हैं। टोकेंस में अगला टोकेंस आता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे साइन होते हैं, ऐसे पंक्चुएशन सिंबल होते हैं जो स्पेशल करेक्टर के रूप में जावा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोलन है, जो इसको हम केस के रूप में इस्तेमाल, केस जब स्विच केस यूज करते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सेमी कोलन है, जो लाइन को टर्मिनेट करता है। इसी तरह डॉट है, ये ऑपरेटर का भी काम करता है। ये पंक्चुएटर्स हैं जो एज ए स्पेशल करेक्टर जावा में इस्तेमाल होते हैं। वो ऑपरेटर्स भी, इसमें कुछ ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, वो ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स में। जैसे कामा है, कामा किस क्या करता है? वेरिएबल्स को सेपरेट करता है, सेपरेटर का काम करता है। एक ही तरह के वेरिएबल्स या एरे एलिमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। अगला पंक्चुएटर है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ लेसन। यह एक लेसन के रूप में ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच एक्ट अपॉन द ऑपरेंड एंड रिटर्न्स वैल्यू। ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड पर कार्य करके कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। ऑपरेटर के द्वारा ही कोई भी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, सॉल्व होता है। जैसे 5 + 3 है, तो 5 और 3 क्या है? ऑपरेंड्स है। ये ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड जिस पर ऑपरेटर अप्लाई होता है उसे ऑपरेंड बोलते हैं। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। और ये प्लस क्या है? ऑपरेटर है। इसी प्लस की वजह से 5 और 3 ऐड होंगे। तो ऑपरेटर क्या हुआ? सिंबल जो ऑपरेंड पर कार्य करके कोई वैल्यू रिजल्ट कोई रिजल्ट देता है, ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के टाइप्स क्या है? ऑपरेटर को कैटेगराइज करने के लिए दो बेस हैं, एक अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो कार्य करते हैं उसके आधार पर, और एक है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड की संख्या के आधार पर भी ऑपरेटर का जो है क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे हम ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो न्यूमेरिक वैल्यू पे कार्य करके रिजल्ट देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पर, न्यूमेरिक वेरिएबल या न्यूमेरिक कांस्टेंट पर कार्य करके उसे इवैल्यूएट करके रिजल्ट देते हैं। अब ये भी ऑपरेटर कई तरह के हैं। पहला है एडिशन। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कई टाइप हैं। एडिशन जो कि प्लस करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे 2 + 3 ये ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है वैल्यू को। जैसे 5 - 3 सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ आ जाएगा 2। तीसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है यह मल्टीप्लाई का काम करता है, ऑपरेंड को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे 5 × 2, इसका साइन क्या है? स्टार, आस्ट्रिक स्टार, जो कि क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला एडिशन जो जोड़ता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन जो सब्ट्रैक्ट करता है, तीसरा मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो
मल्टीप्लाई का काम करता है। अगला ऑपरेटर अर्थमेटिक में देखते हैं। अगला अर्थमेटिक ऑपरेटर है डिवीजन, फॉरवर्ड स्लैश इसका साइन है, डिवीजन ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो न्यूमेरिक वैल्यू पे कार्य करता है। वो ये क्या करता है, ये डिवीजन के बाद कोशियंट रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स कोशियंट आफ्टर डिवीजन। लाइक जैसे आपने किया 5 / 3, तो इसका कोशियंट क्या आएगा, 3 × 3 = 1 आ जाएगा, 3 × 3 = 3। कोशियंट रिटर्न करता है। और ध्यान दीजिए, जब इंटीजर इंटीजर डिवाइड कर होता है तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता है, रिजल्ट इंटीजर में ही आता है। जब इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा, फ्लोटिंग नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं निकालेगा इंटीजर। तो 5 / 3 है तो वो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 कोशियंट कितना जा रहा, 1, तो ये 1 रिटर्न करेगा, रिमाइंडर से मतलब नहीं है इसका। इसी को उल्टा कर देंगे, अगर 3 / 5 तब क्या होगा, ये कैसे डिवाइड होगा, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, तो 5 0 जा जाएगा, 5 0 = 0, रिमाइंडर 3, यानी क्या रिटर्न करेगा, 0, कोशियंट क्या आएगा, 0। तो नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर आपका अगर ज्यादा रहेगा और न्यूमरेटर कम रहेगा तो आपका कोशियंट क्या आएगा, रिटर्न करेगा 0, 5 / 3 / 5 = 0। अगला ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, इट रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवाइड करने के बाद ये क्या देता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। जैसे 5 / 5 / 3, 5 / 3 में क्या आएगा, 3 × 3 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 3 × 3 और रिमाइंडर 2। इसी में 3 / 5 क्या आ जाएगा, कैसे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 5 0 = 0, रिमाइंडर 3, यानी 3 / 5 = 3, आंसर विल कम 3। इन सब चीजों को ध्यान देंगे, इसमें से आउटपुट आ सकता है, ये चीज है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन ऑपरेटर प्लस जो है वह स्ट्रिंग के साथ भी कार्य करता है, या स्ट्रिंग के साथ भी इसको हम अप्लाई करते हैं, यह ज्वाइन करने का, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का कार्य करता है। जैसे एक स्ट्रिंग लिया 5, एक स्ट्रिंग लिया 6, ये हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 56। इसी तरह ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जान रहे हैं सिस्टम क्या है, एक क्लास है, आउट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, सिस्टम रेडीमेड क्लास है, बिल्ट इन क्लास, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंटलन एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, बना बनाया मेथड है, जो क्या करता है, आउटपुट दिखाता है न्यू लाइन में, नई लाइन में, इसका इस्तेमाल आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये आ गया आउटपुट 4 + 4 + 2, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, ये ज्यों का त्यों प्रिंट कर देगा 4, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो क्या प्रिंट करेगा 4 या 4 यू आर 4, फिर ये प्लस इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर 2 इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, इस तरह से आउटपुट क्या आ जाएगा 4 = 42। स्ट्रिंग से जब ये नंबर जुड़ेगा तो ये इससे स्ट्रिंग बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और 4 उससे चिपक जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो क्या आएगा 4, फिर अब ये स्ट्रिंग बन गया 4, फिर ये भी जुड़ जाएगा उससे, तो 4 = 42 आ जाएगा इसका आउटपुट, इसकी आ चुका एक बार बोर्ड में। तो अगला है, अगर ऐसे लिखा है 4 + (4 + 2), इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंट ज्यादा होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट, तो क्या होगा, पहले ये सॉल्व होगा,
तो ये हो जाएगा सिक्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा फोर, फोर तो ज्यों का त्यों प्रिंट होगा, प्लस ये पहले ये जुड़ जाएगा क्या आएगा सिक्स, इसका आउटपुट इस तरह जाएगा फोर सिक्स। इस तरह से ये एडिशन ऑपरेटर जो स्ट्रिंग के साथ कार्य करता है। आइए अब देखते हैं ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर का हो गया और एडिशन ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग हो गया जो आप अक्सर इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग में। आइए अब देखते हैं अगला ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर इट कंपेयर्स टू वैल्यूज, इट इज अप्लाइड ऑन टू वैल्यूज, इट कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड आफ्टर कंपैरिजन इट रिटर्न्स बूलियन कांस्टेंट ट्रू और फॉल्स। दो वैल्यू को कंपेयर करके ये बूलियन कांस्टेंट ट्रू या फॉल्स इस्तेमाल करता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल रिटर्न करता है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग डिसीजन मेकिंग इफ एल्स में करते हैं, बूलियन कांस्टेंट ट्रू या फॉल्स। ये भी होते हैं सिक्स टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर। पहला है ग्रेटर दैन, इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन। इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ऑपरेंट सेकंड ऑपरेंट से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे हमने किया फाइव ग्रेटर दैन थ्री, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। अब हमने किया सिक्स ग्रेटर दैन थर्टी, इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि फाइव थ्री से बड़ा है ट्रू आएगा, सिक्स थर्टी से बड़ा है नहीं बड़ा है तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। ये ग्रेटर देन साइन का ग्रेटर देन ऑपरेटर। दूसरा है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, जब फर्स्ट ऑपरेंट सेकेंड ऑपरेंट से छोटा होता है तब ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स। जब फर्स्ट ऑपरेंट सेकेंड ऑपरेंट से छोटा आता है तो ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स। जैसे हमने लिखा सिक्स लेस देन थर्टी, सिक्स लेस देन थर्टी, सिक्स थर्टी से क्या छोटा है, सही है, दैट इज ट्रू। एंड इफ यू हैव रिटन सिक्स लेस देन, सिक्स लेस देन टू, सिक्स लेस देन टू, सिक्स टू से छोटा है नहीं छोटा है तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। ये आपका लेस देन ऑपरेटर। तीसरा है ग्रेटर आर इक्वल। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर आर इक्वल, मीन्स इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन फर्स्ट ऑपरेंट इज आइदर ग्रेटर विथ सेकेंड ऑपरेटर आर इक्वल टू विथ सेकेंड ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेंट की वैल्यू सेकेंड ऑपरेंट से बड़ी होगी या इक्वल होगी, बड़ी होगी तब भी ट्रू आएगा, इक्वल होगा तब भी ट्रू आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू। जैसे हमने किया फाइव ग्रेटर आर इक्वल फाइव, चेक करेगा फाइव फाइव से बड़ा है नहीं बड़ा है लेकिन इक्वल है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका ट्रू। अगर हमने किया फाइव ग्रेटर आर इक्वल टू फिफ्टी, फाइव ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव फिफ्टी से बड़ा है या बराबर है, तो ना तो ये बड़ा है उससे फिफ्टी से ना तो इक्वल है, इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। इसका इस्तेमाल यहाँ होता है, जैसे अगर हमने यहाँ किया फाइव ग्रेटर देन फाइव, इसका आंसर क्या होगा फॉल्स आएगा, फाइव ग्रेटर देन फाइव क्या आएगा फॉल्स आएगा, उसी के लिए यहाँ पे इसको दोनों को कंबाइंड किया जाता है। तो ये क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल, बड़ा हो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो, दोनों कंडीशन में क्या आता है ट्रू आता है। नेक्स्ट है लेस आर इक्वल, इसी का साथ के लिए, जैसे हमने किया सिक्स लेस देन सिक्स, इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, सिक्स सिक्स से छोटा नहीं है फॉल्स आएगा, लेकिन इसको हम इसके साथ अगर लिखते हैं सिक्स लेस आर इक्वल टू सिक्स, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, छोटा नहीं लेकिन इक्वल है, छोटा नहीं लेकिन इक्वल है, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। अगर हमने किया सिक्स सिक्स लेस आर
इक्वल टू 60, 6 लेस आर इक्वल टू 2, 6 लेस आर इक्वल टू 2, 6 2 से या तो छोटा है या तो बराबर है, ना तो छोटा है ना तो बराबर है, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये हो गया आपका लेस देन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? जब फर्स्ट ऑपरेंट सेकेंड ऑपरेंट से बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, तब आंसर क्या आता है? ट्रू। जैसे हमने किया 5 इज नॉट इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 5 10 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर हमने किया 5 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 5 जो है 5 के इक्वल है, हम चेक क्या कर रहे हैं? नॉट इक्वल। तो ये आपका हुआ, ये ऑपरेटर आपका नॉट इक्वल टू। अगला है इक्वालिटी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, जो एग्जैक्ट होने पे ट्रू देता है। ये डबल इक्वल साइन है, जो एग्जैक्ट वैल्यू दोनों ऑपरेंट सेम होंगे तो ट्रू आएगा। जैसे हमने किया 5 इक्वालिटी 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। और फिर हमने किया 5 इक्वालिटी 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 5 6 के एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट रहने पे ट्रू आएगा और एग्जैक्ट ना रहने पे फॉल्स होगा। ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आता है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं थोड़ा गैप दे के ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स से जो ICSE बोर्ड में हैं, उनसे चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अब जिससे उनको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे। थैंक यू।